उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद इन दिनों हेडलाइन बना हुआ है। एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर सवालों में है। हिंदू छात्रों ने डायरेक्टर पर धर्म परिवर्तन के लिए ब्रेन वॉश का आरोप लगाया है। आरोप यह है कि ब्यूटी कोर्स की क्लास में धर्म परिवर्तन की नई नई थ्योरीज बताई जा रही हैं। कौन सही है कौन गलत, उसके लिए बहुत जरूरी था मुरादाबाद जाकर जांच पड़ताल करना। कन्वर्जन की क्लास का सच आखिर है क्या, पूरी रिपोर्ट से आप खुद ही जानिए। सिंदूर लगाकर मत आओ, स्किन एंड हेयर में डिप्लोमा पाओ। मंगलसूत्र पहनकर मत आओ, हेयर एंड मेकअप में डिप्लोमा पाओ। चूड़ी पहनकर मत आओ, स्किन एंड मेकअप में डिप्लोमा पाओ। धर्म परिवर्तन की क्लास, मुस्लिम बनो हो जाओ पास। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या होती है, एक मंगलसूत्र पहनने की कीमत क्या होती है, बिंदी और चूड़ी पहनकर आने की कीमत क्या होती है, अगर नहीं जानते हैं तो सुन लीजिए। ठीक है, मैं नॉनवेज खाना बंद कर दूंगी अगर तुम मंगलसूत्र सिंदूर लगाना बंद कर दोगी तो। बोलते हैं आपके व्रत वगैरह कुछ नहीं होते, और जो हमें रोजे रखे जाते हैं वही अल्लाह की इबादत होती है। तो वही मतलब धीरे धीरे हमारे ब्रेन वॉश करने की मतलब कोशिश करती थी। टीका लगाने को मेरे को मना कर। अगर कभी सोचोगी, अभी तो बहुत टाइम है, अगर सोचोगी और कोई ऐसा लगे कि हाँ इससे मुझे शादी करनी है मोमडन लड़के से, तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। नॉनवेज खाने को मना करता था तो ये कहती थी नहीं मैं तो खाऊंगी, अगर अगर तुम मुझसे मना करोगे तो मैं तुम्हें टीका लगाने से कलावा बांधने से भी रोकूंगी। तलाकशुदा हो आपके लिए लड़का मैं बताती हूँ, मुस्लिम लड़कों मतलब मुस्लिम लड़के हैं उनके साथ मैं आपकी करवा देती हूँ। मैंने कहा मैम मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगी, हिंदू में हमारे यहाँ कमी थोड़ी है। ये रेड कार्ड है स्किन हेयर मेकअप में डिप्लोमा देने वाले मुरादाबाद के एक ब्यूटी इंस्टीट्यूट का, जिस पर आरोप है कि इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मेकअप हेयर स्किन में डिप्लोमा कराती है लेकिन असल में हिंदुओं को मुसलमान बनाने का प्लान बनाती है, ब्रेन वॉश करती है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जो भी लड़के थे मुस्लिम लड़के थे हेयर लैब में, तो उन जो मेकअप लैब में लड़कियां थी तो उन्हें प्रेशर बनाती थी दोस्ती करने के लिए कि वो लड़कों से दोस्ती करेंगी, जब पूरे दिन 3-4 घंटे लड़कियां साथ रहेंगी तो उन लड़कों से दोस्ती होगी, फिर लड़कियां बोलना चलना उठना बैठना होगा, फिर लड़कियां उनके साथ जाएंगी। तो मतलब उनका यही एजेंडा है, उनका मतलब यह है, वो एकेडमी वगैरह कुछ नहीं है, उनका धर्म परिवर्तन करने का एक अड्डा है, और ज्यादा वो सबका मतलब ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है, भगवान हमारे देवी देवता का मजाक बनाती थी। कौन है कन्वर्जन का वो कॉलेज, कौन है कन्वर्जन इंस्टीट्यूट की वो डायरेक्टर, क्या है कन्वर्जन की क्लास का सच? लक्ष्मी एकेडमी पावर्ड बाय एपटेक मुरादाबाद की ये ब्रांच है, और ये आरोप लगाया गया है कि जो यहाँ की संचालिका है जिसका असली नाम सपना था, लेकिन उसने कुछ सालों पहले अपना धर्म परिवर्तन करा और धर्म परिवर्तन करके वो बन गई रजदाका खान, और उसके बाद वो इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर चलाने लगी जहां पर ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जाता था। लेकिन एक साल पहले भी इस तरीके के आरोप लगे लेकिन उस वक्त मामला दर्ज नहीं हुआ था। इस बार कुछ हिंदू छात्राएं जो हैं उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो संचालिका है वो इस तरीके का प्रेशर बनाती है कि मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करो, और अगर आप किसी मुस्लिम शख्स से शादी करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये वही ब्यूटी इंस्टीट्यूट है जिसमें पढ़ने वाले छात्रों ने यहाँ की डायरेक्टर रक्षांदा खान पर कन्वर्जन के लिए माहौल बनाने का, मोटिवेट करने का आरोप लगाया है। रक्षांदा खान ने एक नामी ब्यूटी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है और इसी इंस्टीट्यूट में स्किन हेयर एंड मेकअप की क्लास चलाती है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले हिंदू स्टूडेंट कह रहे हैं असल में तो रक्षांदा खान हिंदुओं को मुसलमान बनाने का पाठ पढ़ाती है। हमारे हिंदू धर्म को तो ये कहती है कि क्या कहते हैं बेटा, ये फास्ट जो होते हैं ना तुम्हारे, व्रत जो रखते हो तुम, ये व्रत तुम्हारे खाली डाइटिंग के लिए किए जाते हैं, और जो भी तुम्हारा मेन जो हमारे रोजे होते हैं वो असली इबादत के लिए होते हैं, आप एक बार रोजों की खूबियों को जानो, रोजों के बारे में समझो। तो एक टाइप से हमें और हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमें मुस्लिम लड़कों के साथ हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी मेरा मुसलमान लड़के से नाम जोड़ा जा रहा है यहाँ पे। और अगर हम कोई भी शिकायत करते थे कि मैम आप ऐसे मत करो वैसे मत करो, तो उसको लेके भी हमें बोला जाता था कि क्या कहते हैं आप एक बार पढ़ो तो सही इस्लाम के बारे में, आप जानो तो सही इस्लाम के बारे में कि क्या है इस्लाम। मैं देखो आज कितना खुश हूँ, मैंने 19 साल की एज में घर से भाग के शादी की थी, और आज मैं इतना खुश हूँ अपने पति के साथ कि मेरे को आज सब कुछ है मेरे पास, और आज मेरी फैमिली भी मान गई है।
ये तान्या चौधरी हैं, स्किन एंड हेयर का डिप्लोमा लेने आई थी। कॉलेज की मोटी फीस जमा की थी, लेकिन इनका आरोप है कि डायरेक्टर रक्षांदा खान को इनकी बिंदी, इनके सिंदूर, इनके मंगलसूत्र, इनकी चूड़ियां इनकी आंखों में चुभती थी। मैंने एक बार मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे हमें मना किया गया था कि वर्किंग प्लेस पे नॉनवेज खाना अलाउ नहीं है, किसी भी बच्चे को नॉनवेज नहीं खाना है। फिर ये धीरे धीरे नॉनवेज खाने लगे, जबकि मैं 60 किलोमीटर दूर से आती हूँ, सुबह से शाम तक एकेडमी में रहती थी, मैं भूखे पेट यहाँ पे रहती थी, मैं खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि वहाँ पे मैं प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ, तो मेरे को बहुत ज्यादा स्मेल आती थी, तो मैं अपना खाना भी नहीं ला पाती थी यहाँ पे। तो मैंने बोला इनसे कि मैम प्लीज आप यहाँ पे नॉनवेज मत खाया करिए, क्योंकि वहीं पे वो फ्राई होता था, उसी किचन में बैठती बोलती थी कि बेटा इसी में खाओ। तो बोला भी ये भी जाता था बिरयानी तुम भी खाया करो, इसमें तो कोई गलत चीज नहीं है, तुम्हें भी खानी चाहिए। और तो जब हमने इसका विरोध किया तो हमें बोला गया मैं तुम्हें रोकती हूँ मंगलसूत्र पहनने से, सिंदूर लगाने से, बिंदी लगाने से, ठीक है मैं नॉनवेज खाना बंद कर दूंगी अगर तुम मंगलसूत्र सिंदूर लगाना बंद कर दोगी तो, ये हमसे यहाँ पे बोला। आरोप एक नहीं है, आरोपों की लंबी लिस्ट है। ये स्वाति पाल है, इनका भी कहना है जिंदगी चलाने के लिए काम सीखने आई थी, बड़ा नाम देखा, बड़ा ब्रांड देखा, लेकिन जब क्लास करने आई तो लेक्चर कन्वर्जन का मिलने लगा। कहती कि मुझे जल्दी कोर्स करना है, आप जल्दी निपटा दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है 5 मंथ्स में हो जाएगा। धीरे धीरे 2 मंथ के बाद जब मेरी फीस पे हो गई पूरी, फिर इन्होंने धीरे धीरे पढ़ाई के बीच में धर्म के बारे में बताती थी, मुस्लिम धर्म के बारे में, और इन्होंने मुझसे ये बात भी कही थी कि अगर तुम्हें किसी मोमडन लड़के से शादी करनी होगी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम मुझे बताना। पर मैंने बोला कि मैम मेरी तो शादी होने वाली है मेरे घर वालों की मर्जी से और हिंदू लड़के से ही हो रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर कभी सोचोगी, अभी तो बहुत टाइम है, अगर सोचोगी और कोई ऐसा लगे कि हाँ इससे मुझे शादी करनी है मोमडन लड़के से, तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। और फैमिली का क्या है, फैमिली आगे चल के मान जाती है। फिर मुझे अपनी बारे में बात बताई थी कि मैंने 19 साल की उम्र में ये सब करा था, तब मेरी फैमिली नहीं मान रही थी, लेकिन अब मान चुकी है, तो फैमिली वगैरह सब मान जाते हैं। इन लड़कियों का कहना है कि डायरेक्टर पहले हिंदू थी, नाम सपना था, पर मुस्लिम से शादी करके इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। रक्षांदा का अब ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाने का सपना है। ये मोना गुप्ता है, इनका एक्सपीरियंस तो कहीं ज्यादा सीरियस है, पहले सुनिए। टीका लगा के मत आना यहाँ पर, और आप ना यहाँ पर बिरयानी खाया करो तो आप हेल्दी हो जाएंगी, हो जाएगा। तो मैंने कहा मैम हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है ये, तो भी आप तलाकशुदा हो, आपके लिए लड़का मैं बताती हूँ, मुस्लिम लड़के हैं उनके साथ मैं आपकी करवा देती हूँ। मैंने कहा मैम मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी, हिंदू में हमारे यहाँ कमी थोड़ी है। तो बोले नहीं ऐसा है मोना जी, आप करके देखिए। मैंने कहा मैम मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, आप मुझे फोर्स मत करिए, तो आप कलाबा पहन के नहीं आएंगी यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप ये अगर कह रही हैं तो मैं घर पे बात करूंगी इस बारे में, मैं मुझे यहाँ पर नहीं सीखना है। तो बोली वो आपकी इच्छा है। ऐसा नहीं है, रक्षांदा खान पर ये आरोप नए नए लगे हैं, ये राज हैं। इन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया है कि जानबूझकर हिंदुओं के साथ इनके कॉलेज में भेदभाव किया जाता था, मुसलमान बनाने का दबाव बनाया जाता था, कॉलेज में टीका लगा कराने की, कलावा पहन कराने की मनाही थी, लेकिन नमाज पढ़ने की खुली आजादी थी। और एक दिन आती है तो मेरे से बोलती है राज तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? तो मैंने बोला मैम नहीं जानता। तो करी मैं भी हिंदू हूँ, मैं क्षत्रिय पहले ठाकुर थी, और तुम भी ठाकुर हो, मैं भी ठाकुर हूँ, मैं पहले ठाकुर थी, मैंने 19 साल की एज में शादी कर ली भागकर, आज मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और भी लोगों के मैं चाहती हूँ और भी लोग ऐसे ही करें, हमारे धर्म में आए। तो उनका यही मतलब, एक साल पहले मैंने FIR दर्ज करी थी तो पुलिस प्रशासन ने किसी ने कुछ मतलब जांच नहीं करी इस पर। अगर जांच करते जो आज जो मेरी बहनों के साथ ऐसी बदतमीजी हो रही है, उनके साथ धर्म परिवर्तन की बातें हो रही हैं, तो उनके साथ ऐसा आज ना होता, वो भी इतनी परेशान है, क्योंकि मैं उस चीज को समझ सकता हूँ जो चीज मेरे साथ हुई है, कि भगवान में ऐसा होता है, हमारे यहाँ पैसा नहीं है, राम जी की मजाक बनाना, कृष्ण भगवान की मजाक बनाना, शंकर भगवान की कहते हैं सावन में तुम्हारे जो भी है इतना दूध वेस्ट करते हो, किसी गरीब को दो तो उसका फायदा होगा, ऐसे चढ़ाने से क्या फायदा है। तो मतलब मेकअप के और थ्योरी के बीच बीच में वो मतलब उनका ये था ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती थी। डायरेक्टर पर साल भर पहले भी धर्म परिवर्तन का ऐसा ही आरोप लगा था, लेकिन उस वक्त मामला दब गया था, लेकिन इस बार मामला बढ़ गया है। हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए हैं, रक्षांदा खान का पुतला फूका जा रहा है, इंस्टीट्यूट के सामने जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। इंस्टीट्यूट में कन्वर्जन की क्लास चलती थी, इस आरोप को लेकर
कुछ लड़कियां खुलकर सामने आई हैं। पहले मुरादाबाद के डीएम से शिकायत की और फिर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में लिखा गया है, हिंदू लड़के लड़कियों को धर्म के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जाता था। आरोप है कि हिंदू छात्रों को नॉनवेज खाने के लिए दबाव बनाया जाता था। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करने का दबाव बनाया जाता था। मुस्लिम लड़कों से शादी के लिए डायरेक्टर ब्रेन वॉश करती थी। ये जा रहे हैं जो इंटरनेशनल लैक्मे एकेडमी के नाम पे मैंने यहाँ पे ब्रांड को देख के यहाँ पे एडमिशन लिया था, उसके नाम पे मेरे साथ धोखा किया गया है। वहाँ पे इंटरनेशनल प्रोडक्ट दिखाकर उसमें नकली मार्केट से बोतल मंगाकर फिलिंग करी जाती है, वो प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, उनकी भरते हुए मेरे पास वीडियो वगैरह सब है, सबूत है मेरे पास, और एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज होते हैं यहाँ पर। जब हमने एक्सपायरी प्रोडक्ट का इनको बोला कि मैम आप एक्सपायरी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज कर रही हैं, तो इन्होंने बोला नहीं बेटा ये तो मैं फिलिंग करवाती हूँ ओरिजिनल बोतल का। तो आपको फिलिंग कराने की क्या जरूरत है, ओरिजिनल बोतल आ रही है तो ओरिजिनल बोतल रखो, फिलिंग क्यों करवा रहे हो आप उनके अंदर। ये सारी चीजें जिसकी वजह से थोड़े टाइम पहले मेरे फेस पे बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ था, उसके फोटो वगैरह सब है मेरे पास उसकी, तो मैंने इनको बोला भी था, उसके लिए मैं बहुत लड़ी थी कि आपने मेरा फेस खराब कर दिया, आपको जब पता था तो आपने क्यों इस्तेमाल करवाया। इन तमाम आरोपों के बाद डीएम ने मुरादाबाद एसएसपी को मामले की जांच के लिए कहा है और सिविल लाइंस थाने में इंस्टीट्यूट की संचालिका सपना उर्फ रक्षांदा खान और एक इंस्टीट्यूट के कर्मचारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उनको उकसाने की इनके द्वारा बात की गई थी, बाकी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उसमें डिटेल से सारी के सारे तथ्यों को उन सभी जितने भी अपने आप को विक्टिम बताया गया है उनसे डिटेल में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जाएगी और तब उसमें विवेचना के निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। पंजीकृत किया गया है, इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। अब जो विवेचना है वो गुणवत्तापूर्वक होगी और हर पहलू पे उसमें जाँच की जाएगी और जाँच के आधार पर जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कौन सही है कौन गलत, डायरेक्टर की मंशा पर शक की सुई इसलिए भी खड़ी हो रही है कि जब ये मसला उठा तो रक्षांदा खान और उनका पति शहनवाज खान गायब है। हमने भी रक्षांदा खान से उनका पक्ष जानने की कोशिश की, मैसेज किया तो कोई जवाब नहीं आया, आया भी तो ऑटोमेटिक जवाब आया। फिलहाल इंस्टीट्यूट को पुलिस ने सील कर दिया है ताकि सबूतों से कोई छेड़खानी न की जा सके। डायरेक्टर पर शिकायत दर्ज की जा चुकी है, मामला बेहद संगीन है, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टर को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन ब्यूटी इंस्टीट्यूट में इन आरोपों ने कन्वर्जन को लेकर हो रही बहस को गर्म जरूर कर दिया है। तरह के कोर्स यहाँ पर कराए जाते हैं, मार्च अप्रैल में मुरादाबाद और दूर दूर से यहाँ पर लोगों ने एडमिशन लिए और ये जो छात्राएं हैं इनका ये आरोप है कि वहां पर पढ़ाई की जगह इस्लाम के बारे में बताया जाता था, इस्लाम के क्या फायदे हैं, हिंदू होने के क्या नुकसान हैं, किस तरीके से ये लोग मुस्लिम लड़कों से अगर शादी करना चाहती हैं तो बता सकती हैं, उनकी मदद करेंगी, और ये भी कहा उन्होंने कि वो भी पहले हिंदू थी लेकिन 19 साल की उम्र में उन्होंने भाग के शादी कर ली थी और अब इस्लाम धर्म कबूल करके वो खुश हैं। तो इस तरीके के संगीन आरोप हैं। फिलहाल इन छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है और FIR दर्ज करने के साथ ही जो इंस्टीट्यूट है उसको सील कर दिया है ताकि सबूतों से कोई छेड़खानी ना हो सके, क्योंकि छात्रों के ये आरोप हैं, जितनी छात्राएं हैं, कि वहां पर ना केवल इनको इस्लाम धर्म के फायदे बताए जाते थे बल्कि वहां पर जो मुस्लिम लड़के होते थे उनसे दोस्ती करने के लिए भी दबाव बनाया जाता था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और जल्द ही जो प्रिंसिपल हैं या कि जो संचालिका हैं उनको भी पुलिस सम्मन करके पूछताछ के लिए बुला सकती हैं। इंडिया टीवी ने भी उनसे बात करने की कोशिश की, उनको लगातार कॉल किए लेकिन उन्होंने हमारे फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। कैमरामैन राजेश्वर गुप्ता के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, मुरादाबाद।